तो बढ़ते आगे बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यहाँ 1573 स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ANM को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटा है। मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि यूपी जो है बीमारू राज्यों से बाहर निकला है। पहले करीब 6.25 करोड़ लोग बदहाली में थे, अब इनके जीवन शैली में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब सरकार की कार्य पद्धति में कोई खोट नहीं होता तो उसके कार्यों का लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिलता है। जिस तरीके से आज प्रदेश के हर वर्ग को इसका लाभ मिल रहा है, अब यही वजह है कि आज प्रदेश की पहचान का जो संकट है वो भी समाप्त हुआ है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं पड़ रहा है। तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 1573 ANMs को नियुक्ति पत्र सौंपा है। उनके साथ मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह मैसेज कन्वे करने की कोशिश की, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश का युवा जो है हताश था, निराश था, और आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को भरपूर मौका मिल रहा है, उनके ही राज्य में मौका मिल रहा है। इसके साथ ही फिर से एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइग्रेशन की समस्या को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए, मौके के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था। अब जो है स्थिति बदल चुकी है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश में ही रोजी रोजगार नौकरी तमाम जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है और उसमें खासतौर पर जो प्रदेश ने 15-16 में प्रदेश के अंदर जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या थी, वह कुल आंकड़ा जो था वह लगभग 6.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे दीनहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। और इस दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए उसका परिणाम क्या था कि 37.68% से आज हम इसको यानी 19 से 21 के बीच में ही यानी 15-16 से लेकर के 19-21 के बीच मात्र तीन चार वर्षों में ही हम लोगों ने इसे 38% से कम करते हुए 22% में लाने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले अगर 2 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुआ है, अगर इन सभी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन पर यह 38% से घट करके मात्र 11-12% के आसपास बचा होगा। ये आंकड़े हर एक उस व्यक्ति को आश्चर्य में डालता है कि जो प्रदेश के समय उस समय बीमारू राज्य थे 15-16 के दौरान, उनमें से बहुत सारे राज्य अभी बीमारू ही रह गए, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे उभर करके एक सकारात्मक दिशा में विकास की प्रक्रिया